और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जनक दवे हैं हमारे साथ कच्छ गुजरात से, इसके अलावा विभू पटेल पोरबंदर गुजरात से जुड़े हुए हैं, प्रणव भी हमारे साथ गुजरात के द्वारका से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जनक, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, क्या कुछ असर वहां दिखाई दे रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई है? देखिए, ये अभी फिलहाल मैं जखौ में हूँ और जहाँ पर हिट होना है साइक्लोन, और इतनी तेज हवाएं चल रही है, बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पर। मैं स्क्रीन के सामने पर नहीं देख पा रहा हूँ, कैमरे के सामने, और इतनी तेज़ बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है। साथ में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर पेड़ देखेंगे तो उससे अंदाज़ा लगेगा। देखिए वो सामने पेड़ किस तरीके से तेज़ हवाएं चल रही है, और ये पूरा इलाका है जो जखौ का, वो खाली करा दिया गया है यहाँ पर। मैं आपका रुख करती हूं जनक इस वक्त, लेकिन ये तस्वीरें जनक के फ्रेम से हम आपको दिखा भी रहे हैं, और ये तस्वीरें वहां की परेशानी बयां करने के लिए काफी है। जनक के बाद हम अपनी दूसरी सहयोगी के पास भी जाते हैं, पोरबंदर गुजरात से विभू पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। विभू, आपके पास जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाइए, और साथ साथ क्या लोगों में एक डर का भी माहौल है? हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी तैयारी की है, पीएम तक की नजर है इस खबर पर। हम लोग पोरबंदर में है, पोरबंदर में बदला हुआ मिजाज आपको दिखाते हैं कि मौसम का मिजाज बदल गया है, और जो समुंदर में बिपरजोय तूफान आ रहा है उसके कारण जो तटीय इलाका है वहाँ अलर्ट दे दिया है, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होने वाला है वो एरिया है पोरबंदर, द्वारका और कच्छ, जो तीनों इलाका है जहाँ ज़्यादातर इफेक्ट होने वाली है। तो रेलवे ने भी यहाँ तैयारी प्रशासन ने की है कि जो आने जाने वाली ट्रेनें हैं सौराष्ट्र के, खास करके कोस्टल एरिया में, वो सारी ट्रेनें रद्द कर दी है। हमारे साथ है पोरबंदर से रेलवे के ऑफिसर सर, ये बताइए कि अभी बदला हुआ मिजाज और आपकी क्या तैयारी? जिस तरह से अभी जो हालात खड़े हुए हैं तूफान की वजह से, तो उसके तैयारी के रूप से पोरबंदर स्टेशन के सभी उच्च अधिकारियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ठीक है, जैसे कि आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन जनक कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं दोबारा से। जनक, क्या कुछ वहां हो रहा है, दिखाइए तस्वीरें। देखिए, बेहद तेज हवाएं अभी चल रही है और बारिश भी यहां पर शुरू हो चुकी है, और मैं बता दूं यहां पर मैं उस जगह पर हूं जहां पर जो फोरकास्ट के मुताबिक यहीं से, यानी जखौ से, यह साइक्लोन गुजरने वाला और इसका असर यहां से देखना शुरू हो चुका है। यहां पर तेज हवाएं चलने लगी, और ये जो आप इलाका देख रहे हैं पूरा खाली करा दिया गया है। दरअसल ये जखौ पोर्ट के बाहर की तस्वीरें जहाँ पर मछुआरे रहते हैं, पूरा एक गाँव है, पूरे गाँव को खाली करा दिया गया, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है। तेज हवाएं चल रही है, पेड़ों की शाखों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि किस हद तक तेज हवाएं वहां पर चल रही है, और बारिश भी यहां पर हो रही है। और 135 किलोमीटर यानी 15 तारीख की वो सुबह का समय बताया जा रहा है जब यहीं से जखौ से वो साइक्लोन यहां से गुजरेगा, और उस समय उसकी रफ्तार है वो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ऐसे में तबाही मचा सकता है इस इलाके में, ऐसे में लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। पास के जो 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में जितने गाँव हैं वहाँ पर लोगों को इवैक्यूएशन अभी से शुरू हो चुका है। पास में नलिया है, नलिया में भी वहाँ पर एयरपोर्ट स्टेशन से लेकर कई स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन हैं अपने, उनको भी सुरक्षित जगह पर, जहाँ पर चाहे शिप हो अपने कोस्ट गार्ड के, चाहे एयरक्राफ्ट हो हमारे एयरफोर्स के, उनको सुरक्षित जगहों पर फिलहाल अभी ले जाया जा रहा है। और अभी स्थिति थोड़ा आसमान में दिखाऊंगा तो उससे अंदाज़ा लगेगा किस तरीके से काले बादल और इस तरीके से पूरा असर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और तेज़ हवाएं, काफ़ी तेज़ हवाएं शुरू हो चुकी हैं, अभी बताया जा रहा है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं यहाँ पर इस इलाके में चलेगी, और उसके बाद वो गस्टिंग स्पीड और बढ़ती जाएगी, और वो बढ़ने के बाद कल शाम से लेकर परसों दोपहर तक का वो वक्त होगा जो यहाँ से साइक्लोन जब गुजरेगा तो वो सभी के याद में 1998 की वो यादें ताजा हो रही है। आप जिस जगह पे हैं वहाँ के पूरे इलाके के लोगों को, मछुआरों को खासकर खाली करा लिया गया है, ये एहतियातन कदम उठाए गए हैं, और ये तस्वीरें भी बयां करिए। मैं सीधे द्वारका चलती हूँ, और द्वारका की तस्वीरें भी हमारे सहयोगी प्रणव पटेल दिखाएंगे। प्रणव, आप जहाँ पे हैं द्वारका को लेकर अलग तरीके से भी तैयारियां की गई है, यहाँ तक कि सरकार के गृह मंत्री ने, ये सबसे हर्ष संघवी ने अपील की कि जो भी द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आ रहे हैं कम से कम वो इन दिनों ना आए। तो अभी कैसी तस्वीरें दिख रही है वहां पे? जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो दृश्य दिख रहा है वो तस्वीर बहुत भयानक है, डरावनी तस्वीरें द्वारका की है। जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज 18 आपको बता रहा है अपने दर्शकों को, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो समुद्र है।
बोलिए आप, आप में जिस तरह से हमने अभी दिखाया कि द्वारका जो है, द्वारका जी, हाँ आप बोलिए, जिस तरह से हम ये आपको लहरें दिखा रहा हूँ, ये द्वारका की है, जिस तरह सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होने वाली है वो द्वारका जखो, जहाँ से जनक हमको ये पूरा अपना ब्यौरा दे रहे, उसी तरह द्वारका में भी सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ होने वाली है। यहाँ में खुद राज्य गृह मंत्री है। ठीक है प्रणव, आपके पास लौटेंगे। तो प्रणव बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इवैक्यूएट लोगों को कर लिया गया है, लेकिन एक बार फिर से जनक दवे का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जो कच्छ में बने हुए हैं। जनक, तैयारियां किस तरीके की गई है? जहां आप मौजूद है वहां हम देख रहे हैं कि आसपास के पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है, क्या कुछ लोग अभी भी वहां मौजूद है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे पूरा इलाका खाली है। मैं सुबह से यहाँ से इस इलाकों में देख रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से भी अगर कह ले, यहाँ पे जखऊ में जो कोस्ट गार्ड का स्टेशन है वहाँ पर उनकी जो शिप्स है उसको भी सुरक्षित जगहों पर, और साथ में बीएसएफ को यहाँ पर तैनात किया गया है। आर्मी की कॉलम भी यहाँ पर भेजे जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर नलिया, इसके पास में जो नलिया गांव है वहाँ पर भी ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ऐसे में उनको इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है या नहीं, और अभी का आज का फोरकास्ट देखा जाएगा, और अभी 10:30 के बाद का वो वक्त है वहाँ पर इवैक्यूएशन शुरू होगा, तो वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। लेकिन अभी इस इलाके में खासतौर पर जखऊ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की एक आशंका जताई जा रही, चूंकि यही जो पॉइंट होगा वहां से ये ट्रैक से गुजरेगा, चाहे वो मांडवी हो, चाहे नलिया हो, या चाहे देवभूमि द्वारका हो, ये स्पेल बेल्ट से ये साइक्लोन गुजरेगा और उसका रेडियस बड़ा है, ऐसे में नुकसान बड़ा पहुंचा सकता है। और इसी के चलते मुख्यमंत्री ने आपात बैठक की और लगातार ब्यौरा ले रहे हैं वहां से अधिकारियों से, खुद प्रधानमंत्री ने इस पर कल बैठक की और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री से भी बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है कि गुजरात को जो जरूरत है वो वहां पर दी जाए। एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और लोगों को इवैक्यूएशन जल्दी से जल्दी हो जाए, यानी जीरो कैजुअल्टी के साथ अप्रोच के साथ फिलहाल प्रशासन आगे बढ़ रहा है। रिमा, बिल्कुल जनक, मैं आपके पास लौटती हूँ, आपके पास की तस्वीरें भी देख रहे हैं, दो हमारे अलग सहयोगी जो हैं वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। द्वारका की तस्वीरें जो जनक अभी हमने देखी है, जहां को लेकर सरकार भी बहुत संजीदा है, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा जगह नहीं है जहां पे सिर्फ गुजरात के लोग रहते हो, बाहरी लोग बहुत आते हैं। सरकार की पहली कोशिश थी कि कोई बाहरी ना आए, तो जो द्वारका से आप तक रिपोर्ट पहुंच रही है वो क्या पहुंच रही है? क्योंकि समंदर की लहरें हमारे सहयोगी जो दिखा रहे थे उसके मुताबिक परेशानियां वहां बढ़नी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए अगर आप पूरे साइक्लोन की आय को देखें तो जो ड्रिफ्टिंग है वो सबसे पहले ओखा को करेगा, यानी ओखा वो द्वारका का जो बेस है वहाँ से हिट होते आएगा, क्योंकि यहाँ से अभी जो बताया जा रहा है जखऊ से तकरीबन 280 किलोमीटर के आसपास दूर है और वो 230 या 240 किलोमीटर के आसपास वहाँ से ओखा से है, तो ऐसे में सबसे पहले जो हिट होगा वो कहें कि उसका जो रेडियस होगा वो पहले ओखा में होगा, द्वारका में होगा, तो वहाँ सबसे पहले असर होगा और उसके बाद उसकी पूरी ताकत के साथ वो यहां से साइक्लोन गुजरेगा, तो ऐसे में वो जखऊ और मांडवी के बीच, यानी नलिया, जखऊ और मांडवी, ये तीनों के बीच से रेडियस से गुजरेगा, तो ऐसे में यहां पर काफी नुकसान पहुंचा सकता है और इसी के चलते हताहत ना हो, ऐसे में सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 95 जितनी मार्ग मकान की टीमें हैं, सड़कें अगर बाधित होती है तो उसको पुनर्वचिरोय किए जाए, बिजली विभाग के कर्मचारियों को वहाँ मौके पर रखा गया है, ये बिजली के जो खंभे दिख रहे हैं, जो लाइन यहाँ पर दी जाती है वो बिजली के खंभे अगर टूट जाते हैं, चूँकि 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएँ चलती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नुकसान होगा, तो ऐसे में बिजली को आपूर्ति पूर्ववत की जाए, ये सबसे बड़े टास्क है, यानी सबकी जिम्मेवारी तय की गई है। मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर जो कमांड कंट्रोल रूम है गांधीनगर में, वहां पर पैनी नजर बनाए हुए रिपोर्ट ले रहे हैं, हर जिले में एक एक मंत्रियों को भेजा गया है। यहां कच्छ की जहां की बात की जाऊं तो ऋषिकेश पटेल जो सीनियर मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री वो, और प्रफुल्ल पानसीरिया जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा राज्य मंत्री, उनको यहां पर भेजा गया है, और वहां देवभूमि द्वारका में खुद गुजरात गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी वहां पर मौके में रहे, तो ऐसे में तमाम अधिकारी, यहां कहे कि पूरा एक राज्य सरकार की ओर से पूरी कोशिश है कि जीरो कैजुअल्टी के साथ आगे बढ़ा जाए, हताहत ना हो सबसे बड़े, ऐसे में सुरक्षित जगहों पर लोगों पहुंचा दिया जाए। इसी के चलते आप ये तस्वीरें में यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा जो गांव है, पूरा का पूरा गांव फिलहाल अभी खाली नजर आ रहा है, कोई भी यहाँ पर है नहीं। जखऊ पोर्ट, ये जेटी जिसे कहें, जहाँ पर कोस्ट गार्ड के बड़े जहाज लगते हैं, वहाँ पर ये जो मछुआरे रहते हैं उनकी बोट भी वहाँ पर लगा दी गई है और फिलहाल अभी इस इलाके में कोई भी नहीं है। ठीक है जनक, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी और आपसे हम इस तूफान के रूट को भी समझेंगे, लेकिन देखिए गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपोर जॉय को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
हालांकि तूफान की 15 जून को गुजरात के तट से टकराने की आशंका, लेकिन उसका असर अभी से शुरू हो चुका है। गुजरात के पोरबंदर में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं और वहां बारिश भी शुरू हो चुकी है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज 18 इंडिया की विभू पटेल ने हालात का जैसा लिया वो रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको। बिपरजोई साइक्लोन को लेकर गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ अलर्ट दे दिया है, ऑरेंज अलर्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि जो बिपरजोई साइक्लोन की इफेक्ट जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। तेज गति से हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। पोरबंदर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अभी दूर है लेकिन जब जब नजदीक आएगा तभी इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तेज गति से हवाएं भी चलेगी और इफेक्ट होने वाला है जो पोरबंदर, द्वारका और कच्छ इलाका है।